फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल नेचर गुडनेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में एक इतना अच्छा फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जो आपके पौधों में एक नई जान डाल देगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसके लिए मैं बात कर रही थी। अब इसे बनाना कैसे है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं बनाना पील, जिन्हें हम बनाना खाने के बाद ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं। तो इसी को यूज़ करके हम एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसलिए आज के बाद कभी भी ये बनाना पील फेंके नहीं, इनको कलेक्ट करके इनसे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना लें जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने जा रही हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को हमें बनाना कैसे है और कैसे प्लांट्स को हमें इन्हें देना है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। आप ये बनाना पील लेकर इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने किया हुआ है आप देख रहे हैं। और इनको छोटे छोटे पीसीज में कट करने के बाद इनको हमें 1 वीक के लिए छोड़ देना है पानी में डालकर। मैंने काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैंने ये न्यू बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, इसको 1 वीक हो गया है और आज मैं अपने प्लांट्स को ये देने वाली हूँ। तो कैसे हमें देना है प्लांट्स को, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स आज गार्डन में खिले हुए हैं। मैं अभी अपने सभी ये प्लांट्स को देने वाली हूँ फर्टिलाइज़र, और हमेशा मैं ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसका रेशियो हमको रखना है 10%। हमको ये फर्टिलाइज़र मिलाना है 1 वीक के लिए। हमने जब पील को भिगो के रख देते हैं पानी में, तो फिर 1 वीक के बाद इसको हम छान कर अलग निकाल लेंगे और उसका 10% हम मिला लेंगे। मान लीजिए मैंने एक बकेट ये पानी लिया है, तो उसमें मेरे पास ये एक जग है जिसमें मैं पौधों को फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। तो एक जग पानी मैंने फर्टिलाइज़र वाला इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए, इसका कलर ही अलग हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं ये प्लांट्स को देने वाली हूँ। ये देखिए मेरा रोज प्लांट है, इसमें मैं आपको देके दिखाती हूँ। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा हमको क्वांटिटी में नहीं देना है, क्योंकि सारा वेस्ट नीचे से जो हमारे होल बने होते हैं वो निकलना नहीं चाहिए। उतना ही देना है जितनी की प्लांट को ज़रूरत है, वेस्ट नहीं करना है इसको। क्योंकि नहीं तो इसके साथ में बाकी जो हमारे इसमें फर्टिलाइज़र होते हैं वो उनका भी वो निकल जाता है इसमें से, होल में से। ये देखिए, ये यूफोरबिया मिली का प्लांट है। मैं मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं सभी को यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में बस इतना ही, फिर आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।